दोस्तों, बांग्लादेश में पिछले महीने से जानलेवा हिंसा जारी है। ये हिंसा प्रदर्शन क्यों जारी है और शेख हसीना को आखिर देश छोड़कर क्यों भागना पड़ा, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, शेख हसीना ने एक लंबे अरसे तक शासन किया। इन्होंने तकरीबन 15 साल तक देश के प्रधानमंत्री पद संभाला और अपने कार्यकाल में इन्होंने एक तानाशाह की तरह काम किया था, जिस वजह से लोगों के बीच बहुत ही आक्रोश भरा पड़ा था। पिछले कुछ सालों से विपक्ष को भी बिल्कुल कुचलने का काम कर रही थी सरकारी एजेंसियों का मनमानी फायदा उठाना और विपक्ष को जेल में डालना और शासन करना इनकी नीति का मूल मंत्र बन गया था, जिसे पिछले कुछ सालों से लोग सह भी रहे थे। तो आइए जानते हैं कि आखिर जो जनता इन्हें इतने सालों से झेल रही थी, सह रही थी, वो क्यों भड़क गई। दरअसल दोस्तों, छात्रों की नौकरी में कोटा को लेकर ही यह विरोध शुरू हुआ। हाल ही में शेख हसीना ने नौकरियों में उन लोगों को कोटा दे दिया जिनके परिवार वालों ने 1971 में देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जिसके खिलाफ छात्रों का गुस्सा भड़क गया। छात्र जगह जगह प्रदर्शन करने लगे और फिर छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया। काफी हिंसा हुई, छात्रों के साथ काफी अत्याचार भी हुआ, कई छात्रों की जानें भी गईं। छात्रों के साथ सरकार का हिंसक रूप काफी बढ़ गया। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि यह आंदोलन भयावह रूप ले लिया। हालांकि छात्रों की कोई नाजायज मांग नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने कोटे को खत्म भी कर दिया, लेकिन तब तक ये आग पूरे देश में फैल चुकी थी। जगह जगह तानाशाह शेख हसीना के खिलाफ विरोधी नारे लगने लगे, हसीना इस्तीफा दो, क्योंकि दोस्तों शेख हसीना ने अपने कार्यकाल में मानव अधिकार का बहुत ही उल्लंघन किया था, हनन किया था, जिसके खिलाफ कई रिपोर्ट भी सामने आई है। इनकी तानाशाह इतनी बढ़ गई थी कि प्रेस की आजादी भी खत्म होने लगी थी, उस पर भी ये अंकुश लगाने का काम करती थी, जिस वजह से ये जनता जनार्दन काफी गुस्से में थी। हालात ये हुए दोस्तों कि इन्हें आनंद फानंद देश छोड़कर भागना पड़ा। वैसे दोस्तों, बांग्लादेश इन्हें हमेशा एक दमनकारी नेता के रूप में याद करेगा। छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना।